उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती के कई मामलों में भ्रष्टाचार को लेकर अब जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। UKSSC पेपर लीक प्रकरण 2015 में हुए दरोगा भर्ती प्रकरण और फॉरेस्ट के वरिष्ठ IFS अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग मामलों में इन दिनों जांच चल रही है। उत्तराखंड SKF और विजिलेंस ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद UKSSC पेपर लीक मामले की SKF जांच कर रही है। इस मामले में अब तक लगभग 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। UKSSC भर्ती घोटाले में शामिल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस भी अब शिकंजा कसने जा रही है। देखिए, ये जो फॉरेस्ट की जांच है ये हमारी अभी कंटिन्यूस है और इसमें इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो जांच चल रही है इसमें हम लोगों को कई बातें, अभी तथ्य इसमें जो रेलेवेंट लोग हैं इसमें कई लोगों के बयान हो चुके हैं और हमारी विवेचना लगातार जारी है। जल्द ही हम इसमें अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर भर्ती की विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश शासन से विजिलेंस को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में इस मामले में अब छानबीन शुरू हो गई है। आदेशित कर दिया गया जांच करने के लिए। हम लोग उसमें जो भी पेपर्स के रिलेवेंट पेपर्स उसको रख के और उसकी टीम हमने गठित कर दी है और उसकी हमें विवेचना चालू कर दी है। इस तरह के सर कुछ इनपुट हैं अपने पास की? देखिए, अभी मैं एक्चुअली इनपुट पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अभी विवेचना का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी बातें थी तभी हमें इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत आई और इसमें जो भी होगा वो सच झूठ का पर्दाफाश। फॉरेस्ट के वरिष्ठ IFS अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग मामलों में इन दिनों से जिलों में जांच चल रही है। हल्द्वानी में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद रामनगर से लेकर हल्द्वानी में विजिलेंस की टीम लगातार छानबीन भी कर रही है। इन अधिकारियों से पूछताछ भी की जा रही है। इन अधिकारियों पर कॉर्बेट के भीतर अवैध कटान और अन्य वैधानिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें एक जो जायसवाल जी थे, इन्होंने अपने स्तर से फर्जी चालान बुक बनाकर चालान करने का काम किया जाता था इनके द्वारा, जिससे कि सरकारी धन जो था वो राजकोष में न जमा होकर इनके पास आया करता था। तो ये जब पता लगी और इस पर जाँच हुई तो उस पर सत्यता पाई गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको फिर अरेस्ट करके भेजा गया।